आज हम बात करेंगे आजादी के पर्व पर हमारे जवानों की, जो सरहद पर मुस्तैदी से डटे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों का जोश देख दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं। इन जवानों ने देश की सुरक्षा और आतंकियों के खात्मों का संकल्प लिया है। एक दौर था जब आतंकी अपनी हरकतों से घाटी की फिजा खराब करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उन्हें सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। सेना के जवान अपनी ट्रेनिंग और खास तैयारियों के बूते आतंकियों के नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद कर देते हैं। आज अपनी इस खास पेशकश में आपको लेकर चलते हैं गुरेज सेक्टर में, जहां जवानों के बीच हमारे संवाददाता मीर फरीद पहुंचे और उन्होंने जवानों से बातचीत की। सरहद की सुरक्षा कैसे की जाती है, क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे नई तकनीक के साथ जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, देखिए गुरेज से मीर फरीद की रिपोर्ट। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब हैं, गुरेज सेक्टर है और यहां आने का मकसद है ये है कि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। पिछले कुछ समय से लगातार जो है गतिविधि बढ़ी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हमेशा हम बात करते हैं लॉन्च पैड्स की, हम बात करते हैं कि कैसे जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें बढ़ रही हैं, जम्मू में आतंकी गतिविधि बढ़ी है, तो आखिर नियंत्रण रेखा जो है क्यों इसको जो है दुनिया का एक मुश्किल तरीन जो है बॉर्डर है इसको मैन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है ऑब्स्टिकल सिस्टम जो सेना का है, यानी कि फेंसिंग, और फेंसिंग जो है मल्टी लेयर्ड फेंसिंग है, और उसके साथ साथ बिल्कुल ये जवान जो आप देख सकते हैं 24 घंटे की पेट्रोलिंग जो है वो चलती रहती है। इनपुट बेस्ड है, जो खुफिया एजेंसी सूचना देती हैं उसके हिसाब से कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ जाती है, सर्वेलेंस बढ़ जाती है, और जैसे आप देख सकते हैं कि यही फेंस जो है कई जगह काट के घुसपैठिया अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेना का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम है तकरीबन 2 से 3 टायर है, यानी कि अगर वो ये फेंस काट के अंदर आते भी हैं तो इसके आगे भी जो है एक फेंस है, इसके आगे भी जो है एक लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये दर्शाता है कि सेना का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं इस एलओसी के, मैं तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा। हम इस वक्त बिल्कुल बैंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और ऊपर का जो आप देख सकते हैं घना जंगल है, पेड़ है, और अभी हमारी किस्मत अच्छी है कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप है, लेकिन जब धूप नहीं होती तो ये जो मेरे सामने इलाका है इतना इसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है कि आप मुश्किल से 5 से 6 फीट तक आगे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ घना जंगल है तो छुपने की काफी ज्यादा जगहें हैं। तो इसीलिए ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जीरो इन्फिल्ट्रेशन थ्योरेटिक बात है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन को जो है कर पाना, उस लेवल तक पहुंचना इंसानी तौर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर सेना की बात करें तो पूरी कोशिश कर रही है, जो भी रिसोर्सेज हैं झोंक दिए हैं, चाहे आप जो पेट्रोलिंग जवानों की है सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, उसके साथ साथ ड्रोन, जो इंफ्रारेड जो आजकल डिवाइसेस है, यानी कि दिन रात काम करती हैं, तो जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है। और सेना के जवान 24 घंटे जो है ड्यूटी शेड्यूल में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और ये जो नियंत्रण रेखा है भरी हुई है मुश्किलों से। क्यों मुश्किलें हैं, क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ वेजिटेशन है, यहाँ इस तरीके के पहाड़ हैं कि केव्स हैं, आप छुप सकते हैं, तो वो सब चीजें जो है सेना का काम और ज्यादा जो है मुश्किल, चैलेंजिंग बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जेसीओ हैं, जो कि एक पार्टी जो है सेना की लीड करेंगे पेट्रोलिंग में। जेसीओ साहब, आप यहाँ कितनी देर जो है आपकी पेट्रोलिंग चलती रहती है 24 घंटे में? यहाँ पर हम कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पेट्रोलिंग गश्त करते हैं, और उसके दौरान हमें कोई भी चीज की दिक्कत आती है तो हम पीछे फॉरवर्ड रिपोर्ट करते हैं। तो फिर क्यूआरटीज आपकी जो है आ जाती हैं? उसके बाद में क्यूआरटी एक्शन होता है और वो जगह पर जी सिक्योर करती है। जी जी, तो आपकी ड्यूटी जो है, क्या मुश्किलें हैं यहाँ पे, क्योंकि एक आम इंसान देखता है एलओसी पे कोई घटना होती है या इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो एक तो आपका बेसिक तो है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, घुसपैठियों को रोकना, तो क्या क्या मुश्किलें हैं अगर आप इस जगह की बात करें, क्या दिक्कतें आती हैं आपको ड्यूटी में? यहाँ पर हम अब साफ मौसम में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब कभी मौसम खराब रहता है तो हमें विजिबिलिटी में दिक्कत आती है, तो उस समय भी हमारे पास में कुछ आले ऐसे रहते हैं जिनकी मदद से हम अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल को एक बहुत ही मुश्किल इलाका माना जाता है, दुनिया की बात करें तो शायद ही इतना मुश्किल जो है नियंत्रण रेखा हो गार्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी सेना जो है अपने काम में लगी हुई है। इस वक्त हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो कि शायद ही हमारे व्यूवर्स ने कभी देखी होगी। इस वक्त ये आपको बिल्कुल सामान्य
सारा इलाका लग रहा होगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको जब आप यहाँ आएंगे कि कोई भी यहाँ जो है इंसान है या कोई भी ऐसी चीज है जो यहाँ कहीं आसपास रुक के बैठी है। बिल्कुल शांत जगह लगेगी और एक जंगल लगेगा, लेकिन उसी के बीच में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है एक छुपे हुए तरीके से, कैमोफ्लाज तरीके से जो है सेना अपना काम कर रही है। ये एक टैक्टिकल पोजीशन है और आप देख सकते हैं कि कैसे इसको जो है यहाँ की जो आसपास की प्रकृति है, जो यहाँ का इलाका है, उसमें ढलने के लिए बिल्कुल जो है आपको लगेगा नहीं कि यहाँ कुछ अलग चीज हो रही है, बिल्कुल ढका हुआ है। और इसके अंदर सेना के जवान जो है 24 घंटे एक टैक्टिकल साइलेंस बनाए हुए रहते हैं, मूवमेंट जो है शांति से ऑब्जर्व करते रहते हैं, और अगर कोई भी जो है दुश्मन सामने दिखता है तो उसको पहले एंगेज किया जाता है और उसके बाद जो है अगर मदद की जरूरत हो तो QRT जो हेडक्वार्टर है उसको जो है सूचित किया जाता है और अचानक जो है यहाँ QRT आ जाती है। हम इधर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तारिक को भी बोलूंगा, जिसे आप देख सकते हैं छोटा सा ये टेंट है और तीन से चार लोग यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ जो है क्योंकि पिछले काफी समय से यहीं जो है जवान बैठे हुए हैं, तो अपना जो है लंच, छोटा मोटा लंच जो है उसकी भी तैयारी चल रही है। आप ये बताइए कि कितने समय से आप यहाँ हैं? हम 3 से 4 दिन तक यहाँ रहते हैं। हाँ। और हम लगातार हमारी सीमा की निगरानी रखते हैं और जो यहाँ हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, जो बाहर हमारे जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं। तो एक टैक्टिकल पोजीशन है, ऑब्वियसली हम ज्यादा इस जगह के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक टैक्टिकल पोजीशन है। तो यहाँ पे जब आप रहते हैं तो आपका ड्यूटी क्या रहता है कि शांति से आप ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास क्या हो रहा है? हाँ, हमारा एक टास्क होता है कि हम शांति से इधर रहें, अपनी मूवमेंट ना दिखाएं ज्यादा और अगले इलाके को ऑब्जर्वेशन करते रहें और उनकी एक्टिविटी नोट करते रहें। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि आपको कुछ दिख जाता है या कोई शक होता है तो अगला फिर उसके बाद क्या आप करें? अगर हमारे को ऐसी कोई एक्टिविटी दिखती है तो हम हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करते हैं, वहां से QRT चलती है और जो पेट्रोलिंग 24 आवर्स जो इस जंगल में रहती है वो एक्टिव करनी पड़ती है। तो ये ड्यूटी सभी जो है मिलके रुक रुक के अपने अपने इसमें करते हैं? हाँ, ये रुक रुक के मतलब एक टाइम स्पेंड के बाद और दूसरा बंदा फिर दूसरा ऐसे आता रहता है। अक्सर जो हमारे दर्शक हैं वो सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये घटना हो गई, सेना ने जो है इन्फिल्ट्रेशन रोक लिया, लेकिन आखिर इन्फिल्ट्रेशन जो है रोकना कितना मुश्किल है, यहाँ ड्यूटी देना कितना मुश्किल है, ये आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये सेना के जवान हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग जो है करते रहते हैं और शार्प शूटर्स हैं, स्नाइपर्स हैं और इस पूरे इलाके में जो है जगह जगह बिछे हुए हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, इसमें कोई जो है आप सांस नहीं ले सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि चूक की गुंजाइश नहीं है। चूक का मतलब है कि आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी जो है हो सकती है, घुसपैठ हो सकती है। पिछले कुछ समय से हालात बदले हैं, नियंत्रण रेखा शांत थी लेकिन अब जो है काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे है, वो इसलिए क्योंकि लॉन्च पैड जो दूसरी तरफ हैं वो एक्टिव हैं। और इधर गुरेज की बात करें तो इसको उस तरफ नीलम वैली है, लीपा वैली है और लीपा के बारे में हमेशा ये बात होती है कि काफी सक्रिय रहा है, जैश और लश्कर का जो है एक हेडक्वार्टर रहा है और वहां से जो है इन्फिल्ट्रेशन लॉन्च होती है। तो ये सारा इलाका आप समझ सकते हैं कि अगर इस पेड़ के पीछे भी कोई शरण ले ले, इस पेड़ के पीछे भी छुपने की कोशिश करे तो कितना अच्छा जो है उसके लिए शील्ड बन सकता है। और ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं जंगल है, कितनी थिक वेजिटेशन है और कितना छुपने का जो है यहाँ मौका है, तो इसीलिए इन्फिल्ट्रेशन यहाँ रोकना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सेना की बात करें तो 3 टायर जो है ऑब्स्टिकल सिस्टम है, फेंसेज हैं, लेटेस्ट जो है गैजेटरी है जिसमें जो है इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं और जो जवान हैं उनको इन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं सेना की तरफ से। तो हाई अलर्ट है और जैसे आप देख सकते हैं ये जवान जो है इन जंगलों में जहां टैक्टिकल पोजीशंस लेके बैठते हैं वहीं पेट्रोलिंग भी लगातार होती है। इनपुट रियल टाइम बेसिस पे आता है और उस इनपुट के बेसिस पे विद इन
जो आप कहेंगे एक मिनट या डेढ़ मिनट के अंदर जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं सेना की एक्टिवेट होके उस जगह पे पहुंचती हैं और खतरे को निपटने उससे निपटने की कोशिश करती है। आप स्नाइपर हैं तो ये बताइए कि कितने दिनों तक यहीं बैठे रहते हैं ऐसी सेटिंग में? हम यहाँ पे वेजर रेडी होके आते हैं 72 आवर्स के लिए, बाकी मौसम और हालात को देखते हुए हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। 72 आवर्स के लिए हम दोनों बड्डी एक साथ रहते हैं और राशन साथ लाते हैं और इसी आगे की जो LCA उसकी यहाँ से निगरानी करते रहते हैं हम। राइट, तो ये बताइए कि दिनों तक आप जो हैं ऐसे भी रह सकते हैं, मतलब बिल्कुल हिले डुले कम और देखते हुए सर्वेलेंस करते हुए आप इंगेज भी करते हैं या फिर आपका काम सिर्फ यह है कि आप इन्फॉर्म करते रहें कोई एक्टिविटी होती है तो आप आगे पहुंचाएं? हमारा काम है ओनली जो आगे की जो एक्टिविटी होती है वो हम पीछे, हमारा जो बेस बना हुआ वहाँ पे पहुंचाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसको हम तुरंत पीछे पहुंचाते हैं। जो हमारे पीछे है एक टीम तैनात है, जैसे हमको जो आगे जो खबर मिलती है या कुछ एक्टिविटी होती है तो हम पीछे पहुंचाते हैं, जैसे हमारी टीम समय से एक्शन करके उस पर कार्रवाई कर सके। तो यहाँ क्योंकि LOC का इलाका पहाड़ी इलाका है तो दुश्वारियां तो बहुत होंगी, खासकर मौसम की, बारिश बादल, तो कितना उस वक्त जो है मुश्किल हो जाता है आपका ये ड्यूटी? देखिए, जब शुरू शुरू में हम आए थे तो बहुत मुश्किल हालात थे यहाँ पे रहना, बाकी हमने आले दर्जे की ट्रेनिंग पाई हुई है, समय समय से हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है जिससे हमारे को चाहे कितना भी खराब मौसम हो उससे लड़ने की हमारे अंदर शक्ति है और हम काफी समय तक कितना भी खराब मौसम हो ऐसे डटे रहते हैं। तो आपका जो ड्यूटी रहता है सबसे बड़ा इसका आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आप जो आसपास का जो वातावरण है उसमें ढल जाएं, मतलब ऐसा ना लगे कि कोई चीज है, उसको कैसे आप वो ट्रेनिंग आप करते हैं ऐसी, कैसे आप अपने आप को ढाल लेते हैं इस जो है पूरे सराउंडिंग में? इसी तरीके से हम ट्रेनिंग करके आते हैं, यहाँ से यहाँ आने से पहले भी हमने कुछ दिनों तक नीचे आले दर्जे की ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग के हिसाब से हम यहाँ पे रहते हैं। तो कितने दिनों तक आपका चल सकता है यहाँ, मतलब ड्यूटी यहाँ पे? हम दोनों स्नाइपर जोड़े हैं वो 72 आवर्स के लिए रहते हैं, बाकी फिर उसके बाद में बदले होते रहते हैं। राइट। सेना के जो LOC पे ऑपरेशंस हैं उनकी बात करें तो जो ये ऑल टेरेन व्हीकल हैं, ATVs जो हैं, काफी ज्यादा जो है मदद कर रही हैं सेना की। ऑल टेरेन की बात करें तो ये किसी भी टेरेन पे जा सकती हैं और QRT जो रहती हैं उनके लिए ये बहुत मददगार साबित हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं ओपन ATVs हैं, यानी कि अगर आप जा रहे हैं ऑपरेशन में तो आप सब तरफ नजर रख सकते हैं, प्रिसिशन से आप फायर भी खोल सकते हैं और इससे जो है आप अंदर और बाहर बहुत जल्दी जो है आ सकते हैं। तो ATVs की बात करें, सेना ने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया LOC एरियाज में और ना सिर्फ जो ऊपर खापड़ दुर्गम रास्ते होते हैं वहां ये पहुंच सकती है बल्कि बर्फ, क्योंकि जिस सेक्टर में अभी हम हैं LOC के गुरेज सेक्टर, यहां पे 6-7 फीट तक बर्फ होती है तो उसमें जब रास्ता निकालते हैं तो यही ATVs जो है सेना के जवानों को अलग अलग लोकेशंस पे पहुंचाती हैं और मदद ये करती हैं कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई जो है उसमें परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं ATVs हैं। सर, ATVs से आपको कितना हेल्प मिला है? ATVs से सर हमारे को बहुत हेल्प मिलता है क्योंकि ये एक ऐसा व्हीकल है इंडियन आर्मी का जो की जहाँ की और सेना के व्हीकल नहीं जा सकते, कहीं भी कोई पहाड़ी हो जहाँ ऐसा कोई रास्ता हो जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ पहुंच जाती है। जी सर, कहाँ कहाँ आप इसको लेके, मतलब पहाड़ों की तरफ भी ऊपर जा सकते हैं आप? जी सर, ऊपर भी जा सकते हैं इसको, तो मतलब वो स्पीड भी नॉर्मल रहती है, जल्दी आप क्योरिटी पहुंच जाती है। जी सर। तो जैसे आपने सुना की जहाँ नॉर्मल व्हीकल गाड़ी नहीं पहुंच सकती वहाँ ATV पहुंचती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सेना जो है लगातार अपग्रेडेशन कर रही है, अपडेशन कर रही है, चाहे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें या गाड़ियों की बात करें, आर्मर की बात करें, तो कोशिश ये है कि जवानों को जो है बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले और जब वो ड्यूटी पे निकलते हैं अपना काम, और क्योंकि काफी मुश्किल ये चैलेंजिंग टास्क है ऐसी LOC को मैन करना, ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है जीरो इन्फिल्ट्रेशन पे रखना, तो उसमें जो है ये टेक्नोलॉजी और जो भी लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी आती है सेना वो प्रोवाइड करती है जवानों को, ताकि वो अपनी ड्यूटी है अच्छे से कर सके और जो सरहदों की निगरानी है उसमें किसी भी किस्म की जो है कोई रुकावट ना आए, कोई रखना ना आए। तो ATVs जो है सेना के को मिल चुकी हैं LOC पे और ATVs पे जो QRTs हैं अपना काम कर पा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में।
एरियल सर्वेलेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जो मॉडर्न एंटी टेरर ऑपरेशंस है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस है। इस वक्त आप देख सकते हैं सेना का ये ड्रोन जो है बैकअप देने के लिए क्यूआरटीज को, जो ग्राउंड पे टीम है वो यहां से निकल चुका है, और ये जो ड्रोन है उसको स्पेशल एक ऑपरेटर चलाता है। और मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो आगे फ्यूचर जो है ड्रोन्स का है, एरियल सर्वेलेंस का है, और अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है सेना इसका जो है भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन जो है निकल चुका है, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है, और एरियल सर्वेलेंस यानी कि जो एक दोस्त हवा में रहेगा सेना के जवानों का, ऊपर से जो है लगातार सर्वेलेंस देता रहेगा, इनपुट्स देता रहेगा। और ये जो एरिया है आप देख सकते हैं एलओसी का इलाका, बहुत जो है जंगल है सब तरफ, जो विजिबिलिटी बहुत कम है, ट्रूप्स जो अंदर जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि मौसम इतना खराब है कि विजिबिलिटी हार्डली 4-5 फीट होती है, तो उसमें जो है ड्रोन काफी हेल्प करता है। आगे क्या सिचुएशन है, दुश्मन कहां तक है, क्या जो आतंकी है वो यहां फैले हुए हैं, तो उसमें जो है ड्रोन की काफी हेल्प रहती है। इस वक्त ये ड्रोन निकल चुका है और इस जंगलों का जो है पूरा सर्वेलेंस करेगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें आप बात कर सकते हैं, तो वो सेना के पास है। तो न सिर्फ जो एक ह्यूमन एफर्ट रहता है उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी में भी जो है ये सब चीजें सेना की हेल्प कर रही हैं। गुरेज की जो एलओसी है वो बाकी एलओसीज की तरह ही काफी दुर्गम जो है पूरा टेरेन टोपोग्राफी है, और एमएमजी पोस्ट की बात करें यानी कि मीडियम मशीन गन जो कि रीढ़ की हड्डी है, अगर आप भारतीय सेना का जो एक रिस्पॉन्स रहता है जो फायरिंग होती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, तो एमएमजी जो है ऐसी मार करती है कि दुश्मन को जो है वहीं रोक देती है। और सबसे ज्यादा अगर आप सेना की बात करें तो जो सटीक मार लगी है दुश्मन को और जो उनकी तरफ जो उन्होंने कैजुअलिटीज की है, वो एमएमजी का भी उसमें काफी बड़ा रोल है। एमएमजी जो कि एक ऐसा वेपन है जो एक मिनट में 500 से 600 राउंड फायर कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर आप इसका जो एक सबसे बड़ी बात है कि आप नॉनस्टॉप चैम्बर बदल के फायर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो दो जवान हैं जो कि इसी ड्यूटी पे हैं और उन्होंने एक कोर्स ट्रेनिंग किया है एमएमजी में। सर आप ये बताइए कि आपकी तैनाती रहती है, आपका अपना प्रोटोकॉल रहता है कि अगर आप कुछ देखते हैं तो कैसे आप एंगेज करते हैं, कैसे जो है ये सारा करते हैं आप? सर हम देखते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भर्ती कार्रवाई करेंगे, उस पर बेल्ट को चढ़ाएंगे, बेल्ट को चढ़ाने के बाद में क्या करेंगे अपन कोक की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद उस पर ले करके उसको फिर एंगेज किया जाता है जी। तो कितना जो है पावरफुल वेपन है ये, कितना आपके लिए जो आप सेना के लिए इम्पोर्टेंट है ये वेपन? ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट हथियार है भारतीय सेना में, और इसमें क्या है एक मिनट में कम से कम 600 से 800 राउंड प्रति मिनट फायर करने की काबिलियत रखता है, और हम इसको नॉन स्टॉप भी फायर कर सकते हैं, लगातार फायर कर सकते हैं। इसमें दो बैरल दिए गए हैं जिससे अपन क्या है बैरल को बदली करते हुए दोबारा दूसरा बैरल चंडा के हवा से ठंडे होने वाला होता है उससे फायर करके हम लगातार नॉन स्टॉप फायर कर सकते हैं इससे। तो जो सेना की जो भी पोस्ट है फॉरवर्ड, तो एमएमजी ही मेन उसमें जो है इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, एमएमजी बहुत ही अहमियत वाला हथियार है, दुश्मन क्या है इससे बहकाता है। एमएमजी क्या रेट ऑफ फायर ज्यादा होने से कारण, उसके बाद में इसकी क्या रेंज ज्यादा होने के कारण, और इसकी क्या है फायर पावल्टी ज्यादा होने के कारण इसकी क्या है कारगर रेंज भी ज्यादा है, 1800 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। और एप्रोक्स कम से कम ये बैटन जोन का भी हथियार है, लगभग अगर झुंड में भी दुश्मन आ रहा तो उसको भी आसानी से ये इसमें ट्रेवर्स की सुविधा दी गई है। तो इसका भय है, इसका डर है इस दुश्मन में, इसमें काफी भय बना हुआ है एमएमजी का। तो कहते हैं एक हथियार तो ठीक है लेकिन जो चलाने वाले हाथ हैं वो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होते हैं, तो आपकी इसमें ट्रेनिंग रहती है क्या पूरा, आप कैसे एमएमजी को ही सिर्फ हैंडल करते हैं? जी अगर मैं एमएमजी कोर्स किया हुआ तो मैं एमएमजी को हैंडल करता हूँ, अगर मैं एमएमजी पोस्ट पर हूँ तो एमएमजी को ही हैंडल करूंगा, अगर एलएमजी वाला है तो वो एलएमजी को हैंडल करेगा, अभी फिलहाल मैं एमएमजी पोस्ट पर हूँ तो एमएमजी को हैंडल करूंगा, ये है उसमें। तो दुश्मन की बात करें तो जो भय है डर है वो जो एमएमजी है और जो उसको चलाने वाले हाथ हैं भारतीय सेना के, क्योंकि पहली आप तारीख की बात करें कभी भी जब इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कभी भी जब दुश्मन ने यहां की तरफ आने की कोशिश की है, तो ये एमएमजी का मुंह इस तरीके से खुला है कि दुश्मन जो है इधर की तरफ नहीं आ पाया और बहुतों को जो है मार गिराया गया है और कई लोग जो है वापस भी भाग जाते हैं, तो ये ऐसा डर है और ऐसा रेट ऑफ फायर है कि आप 2 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकते हैं इस एमएमजी से और गोलियां अनगिनत चल सकती हैं, तो इसीलिए ये एक मेन जिसको आप कहेंगे बैटल टेस्टेड वेपन है
और सेना इस पे काफी ज्यादा भरोसा करती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं इस वक्त। और उस तरफ का अगर आप देखें, ये तो फिर भी बेयर है, यानी कि ये ज्यादा जो जंगल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके उस तरफ काफी घने जंगल हैं। और सेना की जो पोस्ट हैं टेक्निकली इस पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जगह जगह ऑब्स्टिकल, जो इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम है, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट गैजेटरी है, जिसमें आप जो इंफ्रारेड इमेज, जो थर्मल्स रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि ऑपरेशनल रीजंस की वजह से सेना हमें नहीं बता पा रही है, हम भी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन लेटेस्ट ये मान सकते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि काफी सहायता कर रही है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि जो जवान, जो कि रीढ़ की हड्डी है एक रेस्पॉन्स इन्फिल्ट्रेशन का या दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने का, उसके साथ साथ जो भी आज लेटेस्ट तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, गैजेटरी है, वेपन्स हैं, सभी जो है यहाँ जवान जो तैनात हैं वो उससे लैस हैं, और उससे उनको अपना काम करने में और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल MMG पोस्ट पे गुरेज, जहाँ सेना के जवान काफी तेज नजर बनाए हुए हैं नियंत्रण रेखा के पे और पूरे तैयार हैं किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुरेज, लाइन ऑफ कंट्रोल। 15-20 सेकेंड्स में आपको जो है अपना गियर लगा के, अपना बीपी, वेपन और सब कुछ सेट करके जो है आपको निकलना पड़ता है।